politics now entering the heat and dust of the campaign in Haryana. And today we speak with the wrestler, Yogeshwar Dutt, who is taking on, he's going to be contesting from Baroda, a Congress bastion. बहुत देर रात तक प्रचार चल रहा है हाँ काफी क्योंकि रात को दो या तीन घंटे सुने टाइम मिल रहा है एक दो तीन तीन भी बज जाते हैं कभी कभी तो और सुबह फिर पाँच साढ़े पाँच बजे उठना इसलिए नींद तो बहुत कम मतलब मिलती है तो कैसे आए आप राजनीति में कैसे आ गए देखो विचार पहले से कोई परिप्लान नहीं था बस ये तो एकदम से अचानक से एक बार लोकसभा में भी बात चली थी फिर कोई ऐसा था नहीं पर अभी जैसे सीएम साहब से मिले थे और ये जहाँ की मेन चीज़ है कि जो पहले भी हमारे पास ये ऐसी बात है कि कहीं पानी की कहीं बिजली है खेलों से सब तो पता ही है क्योंकि खिलाड़ी तो हर खिलाड़ी का पता है हर गेम का पता है कि गांव देहात में कितनी दिक्कतें होती है परेशानियाँ होती है सीएम साहब से मुलाकात हुई तो फिर ये बातचीत में यही हो चला कि यहाँ के लोगों की इसी तरीके से हो सकती है सेवा तो देश सेवा तो पुलिस में गेम कर सकते हैं क्योंकि डीएसपी की नौकरी थी और वो सेवाएं करनी होती है पर जो यहाँ की मूलभूत जो परेशानियां हैं जैसे पानी की लगा हर गांव में क्योंकि तकरीबन खेती करने वाले लोग हैं बिजली की लगाइए खेलों से संबंधित और शिक्षा से वो चीज़ें इसी में राजनीति में आके ही यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी क्योंकि सरकार के मतलब जो भी हो यहाँ के बातें हैं जो पहुँचाना ऊपर तक वो मुद्दे हैं जो लोग परेशान हैं उनको रखना इसलिए इसमें आने का फैसला किया तो राजनीति में किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे जो आपकी ट्रेनिंग रही है इतनी अच्छी देखिए ये कुश्ती और राजनीति बिल्कुल अलग है दोनों अच्छा बिल्कुल अलग दिन रहा हाँ ये मतलब ये कहीं भी मेल नहीं खाता खेल और राजनीति हाँ। और हम तो कभी से मानते हैं कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए हाँ। और राजनीति हो तो अच्छी के लिए हो क्योंकि राजनीति वैसे देखो तो आप कुछ भी करोगे वो राजनीति वही राजनीति है पर हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए अच्छे तरीके से होनी चाहिए और खेलों के में भी राजनीति तो अच्छी हो वो खेलों के भलाई के लिए हो और मैं राजनीति किसी अपने निजी स्वार्थ के या कुछ और नहीं लोगों का जो यहाँ पे परेशानी है वो पूरी करने के लिए आया हूँ और उससे अलग छल कपट की राजनीति हमें करनी नहीं लोगों के काम करने हैं क्योंकि कोई जो जनता किसी को MP MLA बनाती है तो वो जनता के लिए बनता है ना कि अपने लिए और ये बात जब सभी नेता लोग समझ जाएंगे तो ये देश अपने आप शक्तिशाली बन जाएगा और जो मोदी जी ने सभी बनाई है कि भाई भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो भ्रष्टाचार ना हो वो चीज़ें हैं और मैं चाहता हूँ कि जैसे कुश्ती में अपने देश का नाम किया कुश्ती में कुश्ती चलाने वाले पहलवान जो हम पसंद करते हैं वैसा बनना चाहते हैं हम चाहते हैं कि राजनीति में हम वही साफ सोच दें कि एक नई जो नया बच्चा है तो ये सोचे कि मेरे को लोगों के लिए काम करना है बहुत से लोग ऐसे हैं जो राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए आते हैं वो चीज़ें हम कोशिश करेंगे वो चीज़ें मन में जेल में आए ज़्यादा जो युवा आए तो उनके मन में कुछ करने की भावना हो देश के लिए कुछ लोगों के लिए कुछ करने का वो आपने बीजेपी को क्यों चुना विचारों की बात होती है विचार जहाँ जिसके मेल खाते वो वहीं हाँ हाँ जी आप जैसे काफ़ी साल मोदी जी को फॉलो भी करते हैं और उनकी जो नीतियाँ सारी वो ठीक भी हैं और जो फैसले देश हित में हूँ कठिन फैसले होते हैं देश हित में कोई भी फैसले हो कठिन फैसला होता है उसकी कहीं ना कोई कोई ना कोई आलोचना भी करता है पर फैसले लेने की हिम्मत होनी चाहिए वो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में थी आप 370 देखिए सर्जिकल स्ट्राइक देखिए वो सारी देश हित में लिए गए फैसले हैं और पिछले बीजेपी में भी जैसे पिछले 5 साल में हरियाणा सरकार में जो ईमानदारी से काम हुए हैं